खंड के सह प्रभारी भी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। आज मैं एक अलग भूमिका में हूं, मैं पार्टी के प्रवक्ता के नाते पार्टी का पक्ष रखता रहा हूं, लेकिन आज मैं नितिन नवीन जी से आप सब लोगों के बीच में कुछ सवाले करूंगा और उनसे पक्ष जानना चाहूंगा। नितिन जी, सरकार का परिवर्तन हुआ, जो सरकार चल रही थी उस सरकार में आप पथ निर्माण मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और बेहतर परफॉर्मेंस आपका था उस विभाग का। सरकार अचानक बदल गई, अकारण, कोई कारण नहीं था। आपने देखा विधानसभा में विश्वास मत कल था और विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री का जो तेवर था और खास करके आपके प्रति जिस प्रकार से आपको बच्चा कह करके पुकार रहे थे, बैठने के लिए कह रहे थे, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री में अचानक इस प्रकार का परिवर्तन क्यों और कैसे आ गया? धन्यवाद प्रेम भैया। आज हम लोग कल मुख्यमंत्री जी का जो रूप देख रहे थे वो सामान्यतः हम लोगों ने कई चरणों में वो रूप थोड़ा थोड़ा देखा है। याद कीजिए 2017 में वो इसी प्रकार से तेजस्वी यादव को बच्चा कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी हमारे मित्र हैं तुम चुप हो जाओ। 2020 में जब पहला सदन आहूत हुआ सरकार बनने के बाद, उसमें भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। यानी मुख्यमंत्री जी आजकल आवेश में आ जाते हैं, जब उनको आईना दिखाया जाता है तो उस आईने के सामने वो बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम बच्चा हो। अरे जिस बच्चे को आप कह रहे हैं बच्चा, वो चार बार आपके सामने विधायक बना है और जिस के बगल में आप बैठ के जिसके गुणगान करने फिर बैठे हैं, जिसको कल तक भ्रष्टाचारी कहा था आज सदाचारी कह रहे हैं, वो तो तेजस्वी यादव अभी दूसरी टर्म का विधायक है और बाकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते ही होंगे। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बगल में जो व्यक्ति उनका नया भतीजा जो बैठा था वो तो अभी क्या पास है वो तो शायद मुख्यमंत्री जी जानते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को जो सच्चाई है कि आईना जब जब दिखाया जाता है वो बेचैन हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि कल की जो पूरा दृश्य था, मुख्यमंत्री जी को लगा कि वो केवल बोलेंगे और लोग सुनेंगे, जो उनकी अमूमन आदत रही है, उनको लगता है कि केवल मैं बोलूँ और दूसरा सुने, लेकिन जब दूसरा बोलता है तो मुख्यमंत्री जी उसको सुन नहीं पाते हैं, तो कभी कहते हैं बच्चा हो बैठ जाओ, कभी कहते हैं कि अरे आप क्या बोलिएगा, आपको मैंने जिताया था। अरे भैया, इस राज्य में जब आप 7 विधायकों की पार्टी थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको बिहार के परिदृश्य में नेता बनाया। 2005 की आप चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको मौका दिया आप आके नेतृत्व कीजिए। बिहार में अगर जंगल राज के खिलाफ संघर्ष किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मुख्यमंत्री जी आप संघर्ष के लिए सड़क पर कभी नहीं उतरे, सत्ता के गलियारे में जरूर आप पहुंचे होंगे पर संघर्ष तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, चाहे सुशील मोदी जी हो, नंदकिशोर जी हो, चौबे जी हो, प्रेम कुमार जी हो या हमारे पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा हो, ऐसे कार्यकर्ताओं ने उस समय संघर्ष करके इस जंगल राज को ख़त्म किया था। आप उसके नायक बनकर भरे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने आपको भरोसा किया, आपको मौका दिया। ठीक आपने कहा नितिन जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष अकेले कहलाना पसंद होता है। पथ निर्माण विभाग में जिस प्रकार से आप मंत्री बने और जितना आपने काम किया, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई जो ऐसे है कि जलन उनको हो रहा है कि कोई दूसरा विकास का काम करे। आप बता सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग में आपके आने के बाद कितना काम जमीन पर उतर सका है? देखिए, मैं अपने कार्यकाल की तो बहुत अल्प अवधि रही 18 महीने की, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी कल जिक्र कर रहे थे आपने भी सुना होगा कि बिहार में केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिला, तो मैं उस लाइन पे मुख्यमंत्री जी को कल हाउस में जवाब दे रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क में जो काम हुआ है हम ही लोगों ने किया है, तो मैं कल आज उनको आईना दिखाने का इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी पिछले 2017 में जब से हम लोग दोबारा आपके साथ आए तो 17 से 22 के इस सफ़र में पूरे बिहार में बिहार सरकार 35,000 करोड़ की योजनाओं से काम कर पाई, जो बजट था।
लेकिन इसके इतर आप देखिए तो केंद्र सरकार ने करीब 1.5 लाख करोड़ का काम बिहार में चल रहा है, तो अंतर देखिए मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा आज जिस योजनाओं की बात कहेंगे, यही जेपी गंगा पथ बंद पड़ा था मुख्यमंत्री जी 2016-17, 13-14 में आपने शुरू किया था, हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व उसके लिए हुडको से अलग से लोन लिया और फिर उस योजनाओं को गति प्रदान की। मुख्यमंत्री जी आपकी जनरल आदत रही है, जो अच्छा हुआ वो नीतीश कुमार, जो कमियां रहीं वो केंद्र सरकार नहीं तो बीजेपी के लोग, ऐसे कैसे चलेगा। हमारी सरकार थी 2006 से सड़क के क्षेत्र में नंदकिशोर यादव जी, प्रेम कुमार जी और उसके बाद हमारे नेताओं ने काम किया। आज सड़क का क्षेत्र आप अपने कोटे में गिनते हैं, सड़क के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को से लेकर मुख्यमंत्री पुल पुलिया योजना, ये सब हमारे नंदकिशोर यादव जी ने शुरू किया। हर चीज़ की क्रेडिट आप, हर चीज़ का। कल आपने देखा कि 6,000 करोड़ रुपया मैंने लौटा दिया, 2-2 बार केंद्र सरकार मुझे कहा लेकिन मैंने नहीं लिया। इस बात को मैं ओपन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रेम जी, कि वो क्यों नहीं लिया, केवल उनके अहम थे। 6,000 करोड़ रुपया गरीब के लिए पानी पहुंचाने का काम आता, गरीब का केवल उनका नाम नहीं लग रहा था, केंद्र की योजना हो जाती, वो प्रधानमंत्री नल जल योजना लिखा जाता, इसके लिए आपने उसको नहीं लिया। उस योजना आती तो कहाँ से पानी चला है, कहाँ तक पहुँचा है, उसकी पूरी जाँच हो जाती, कहाँ पर पाइप फटा है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी से जाँच हो जाती, आपका भेद खुल जाता। जो नल जल का आप दावा ठोक रहे हैं, 95% ये योजना फ्लॉप की और इसकी मुख्य जवाबदेही केवल आपके ऊपर है मुख्यमंत्री जी, केवल अपने नाम को अहम बनाकर कि मेरा नाम लगा रहे, इस नाम के कारण बिहार के गरीब लोगों को आपने कई योजनाओं से दूर किया है, उसमें सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री का जो नल जल योजना हो सकता था, जिसके कारण आज हर गांव चौपाल और टोलों में पानी पहुँचता शुद्ध रूप से, उसको आपने नहीं आने दिया केवल अपने अहम के खाते। जब मैं सड़क की बात आपसे कर रहा था तो मैंने तो अनगिनत ब्रिजेज की गिना है, मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे कुछ पैसा नहीं आया, केवल प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 54,000 करोड़ रुपया आया, जिसके 75 स्कीम के काम चल रहे हैं, जिसमें 25 स्कीम का काम कंप्लीट हो चुका है। भारतमाला फेज वन जो 2017 में हम लोग जब दोबारा आपके साथ जुड़े मुख्यमंत्री जी के साथ, तब 2017 में भारतमाला फेज टू आया, उसमें करीब 65,000 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है। मुझे ये बताते हुए आपके माध्यम से खुशी है कि बिहार की जनता जाने कि केंद्र ने किस प्रकार से सहयोग किया नीतीश कुमार जी की सरकार के में हम लोग, क्योंकि हमारी जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति थी, हमको मालूम था कि हमको बिहार की जनता ने समर्थन दिया है तो हम सेवा और समर्पण भाव से काम करेंगे। आज केवल एक्सप्रेसवे जो आने वाले समय में बिहार के लिए एक लैंडमार्क बनेगा, बिहार में 4 बड़े एक्सप्रेसवे सैंक्शन हैं और करीब इसमें 1 लाख करोड़ तक की योजना जाएगी। क्या आप कर रहे हैं, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। आपके अंदर जो कीड़ा भरा हुआ था 2013 में, वो कीड़ा आपको 17 से 22 तक पहुंचा दिया, लेकिन आपकी कीड़ा नहीं ख़त्म हुई और इसके कारण बिहार के योजनाओं को, विकास को आपने बाधा पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद नितिन जी। मैं जानना चाहता हूं कि 2013 में नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गठबंधन को तोड़ा था, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार को केवल 2 सीटें आई थी, आज फिर उन्होंने गठबंधन को अकारण तोड़ा है और आज फिर 14 की तरह जो ऐसे भविष्य तय कर रहे हैं कि जो 24 में आए हैं वो 24 में रहेंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और नरेंद्र मोदी जी का फिर प्रधानमंत्री बनने का के बारे में? देखिए प्रेम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष को जानते हैं, आप लोगों ने उस कालखंड में संघर्ष किया है जब विपरीत परिस्थितियां आती थी और जंगल राज का पूरा माहौल रहता था। मुझे ये, हम लोग तो उस समय राजनीति में नहीं थे लेकिन हम लोगों ने देखा है और सुना है, हम उस समय राजनीति में नहीं थे लेकिन हमारे घर में चीज़ों को हम लोगों ने देखा। किस कालखंड से बिहार में परिवर्तन हुआ था, 2005 में परिवर्तन का जो पूरा विषय था कि जंगल राज ख़त्म करना है, लालू राबड़ी राज ख़त्म करना है, और इसके लिए सभी दल मिलकर सामने आए थे। घोटालों बाजी चल रही थी, एक एक विभाग में घोटाला चल रहा था, पूरा लालू परिवार उस घोटाले में डूबा हुआ था, साला के माध्यम से सरकार चल रही थी। आज फिर वही दौर आ गया,
और नीतीश जी कह रहे हैं 2014 से 24 में क्या होगा। 2014 में नीतीश जी, आपने 13 में बहुत लंबी लंबी बातें कही थी कि हम क्या बनेंगे, सेकुलर बनेंगे, क्या क्या करेंगे, आप तो सबसे बड़े सांप्रदायिक हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी के रूप में हमने अपना नेतृत्व तय किया था। हमने अपना स्टैंड 2017 में नहीं बदला, 2017 में आपने अपना स्टैंड बदला था कि नहीं, हम अब इन लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं विभाग चलाने में मुझे तनाव पैदा करते हैं, इसलिए मैं इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहूंगा, और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को आपने स्वीकार किया था। 2022 आइए, 2022 में आपने कहा कि वो भ्रष्टाचारी अब सदाचारी बन गया। कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच गया मुख्यमंत्री जी? कौन सा ऐसा जांच आपने अपने विभाग के अंदर अपने मुख्यमंत्री काल में उन पर करा लिया जिसके कारण आपको सर्टिफिकेट मिल गया? 2024 में आप 22 में हमको कह रहे हैं कि नेतृत्व स्वीकार नहीं था, केंद्र का दोष था। वही नरेंद्र मोदी आज भी लीडरशिप है जो 17 में था जब हमारे दरवाजे पे आप आए थे। आज चोर दरवाजे से बहुमत लाने का कोशिश कर रहे हैं, वही राबड़ी जी का आवास और वही तेजस्वी यादव के शब्द आप भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आप पर उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया और न करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, जिन शब्दों का प्रयोग लालू परिवार ने किया, उनके यहाँ माफ़ी मांगने जा रहे हैं। किस चीज़ की माफ़ी? कि हमसे गलती हो गई, तो गाली देने वाले से माफ़ी मांग रहे हैं? जिस लोगों ने आपको, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया, उसको गाली दे रहे हैं? वारे नीतीश जी। और साथ में जो आप कह रहे हैं 2014 का और 24 का, 14 में क्या स्थिति थी आपकी? दो चार भी नहीं था जो कि पूरे तरह से आपको घाट तक पहुंचाता। तो स्थिति क्या है नीतीश जी, कि आप सत्ता में केवल अपने लिए राजनीति करते हैं, आप बिहार की जनता की चिंता नहीं करते हैं, आपका अहम केवल अपने लिए था। आपके मन में कीड़ा है कि मैं कैसे देश का मटेरियल पहुंच जाऊं प्रधानमंत्री के रूप में। ये मटेरियल मटेरियल ही रह जाएगा, इनके अगल बगल वाले इनको जो हवा देते रहते हैं इस चक्कर में, ये बिहार के विकास की गति को ख़त्म कर देते हैं। 13 में भी वही किया, 22 में भी वही किया, और 24 की बात कर रहे हैं। मैं आपको नीतीश जी स्पष्ट करता हूँ, आप केवल बैसाखी के भरोसे आंकड़ों के गणित में मुख्यमंत्री बने हैं। कभी बताइए कि बिना बैसाखी के आपने कुछ किया हो। 2005 के पहले आप जब अपने बल पर चुनाव लड़े थे, क्या स्थिति थी? अरे जब आप तीसरे पैदान पर थे तब आपको हम लोगों ने मौका दिया था। 7 दिन का जब आप मुख्यमंत्री बने थे उसमें आप तीसरे पैदान पर थे। हमारे सीटों के आंकड़ा सबसे वन एक पर हम थे, दूसरे में उसमें SADC करके एक पार्टी करती थी रामविलास जी की, और तीसरे नंबर पर आप थे, फिर भी आपको मौका दिया गया था। आप हमसे पूछ रहे हैं? आज भी बिहार में आप तीसरे नंबर पर थे, फिर भी हमारे नेतृत्व ने कहा कि जो विश्वास, जो मैंने घोषणा की है कि नीतीश कुमार के नाम पर अगला सरकार बनाएंगे, आप आंकड़ों में 43 पे भी पहुंच गए, फिर भी हमने अपना वादा निभाया। और आप कहते हैं हम पर दबाव बना के मुख्यमंत्री बना दिया गया। अरे हमने वादा निभाया तो हम गलत हो गए? आप बेवफा बन गए तो आप कह रहे हैं हम कुर्बान हो गए? ऐसे नहीं होता मुख्यमंत्री जी। और 24 में हिम्मत है तो सामने दो दो हाथ फरिया लीजिए, बिना बैसाखी के आप चल सकते हैं तो चल के दिखाइए। अगर बैसाखी के साथ चलेंगे तो भी हम लोग तैयार हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जंगल राज का रिटर्न आपने किया है। हम लोग LED युग के लिए ले जा रहे थे, तो बिहार की जनता को मालूम है कि 2021 का भारत कैसा होना चाहिए, इसलिए वो इस लालटेन युग में नहीं जाएगी। और आने वाला जो चुनाव है 24 में, इनको निश्चित रूप से नीतीश कुमार एक अभिशाप होंगे, जिनके साथ जाएंगे उनका काम तमाम करेंगे। नितिन जी, आपने बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। अंतिम प्रश्न एक और पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा है, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने नीतीश कुमार के रूप में बनाने का काम किया, बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार की छवि को बेहतर छवि के रूप में परोसने का काम किया। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी सबको पता है, हम सब लोग लड़े हैं लड़ाई को जंगल राज से मुक्ति के लिए, उसमें आपके पिताजी भी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी भी कदम से कदम मिलाकर करके और उस लड़ाई को मजबूती के साथ नेतृत्व कर करके लड़ने का काम किया था, और उससे मुक्ति दिलाने का काम सब लोगों ने मिलकर के किया था। और आज नीतीश कुमार बार बार
उसी जंगल राज के प्रणेता के साथ मिलकर करके फिर से बिहार की जनता के विश्वास और आशा पर कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आने वाला जो भविष्य होगा बिहार की जनता के लिए क्या होगा और नीतीश कुमार का भविष्य उस महागठबंधन में क्या होगा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से बिहार की एक चर्चा होती थी कि बिहार मेहनत करके अपना मुकाम पाता है, बिहार की चर्चा लिट्टी चोखे के रूप में होती थी। आज 2006 में जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हर बिहारी को लगता था कि मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। 2006 से 10 का जो दौर था पूरे देश में बिहार के बारे में एक नई छवि उपड़ी थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी जब 2022 आया है तो आज देश भर में रहने वाला बिहारी जो है वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हम लोग के माथे पे आपने लिख दिया है, कलंक लगा दिया है कि ये बिहारी बैकडोर से सत्ता पाता है, ये बिहारी बैकडोर से मुकाम पाता है। आज पुनः आपने वही जब हमारी डिग्रियों पे सवाल होता था 2005 के पहले, बिहार के लड़के जब बाहर जाते थे तो उनके डिग्री को देखा जाता था कि बिहार से आया है, इसका सही डिग्री है कि नहीं है। आज फिर से आप उसी दौर पे हम लोग को लाके खड़ा कर दिए कि आज बिहार के बारे में कि मुकाम से आया है कि बैकडोर से आया है, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री तो बैकडोर वाला मुख्यमंत्री है, तो वही छवि है। इसलिए नीतीश कुमार का भविष्य कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार तो बैसाखी है, दोनों पैसा, कभी भाजपा कभी आरजेडी, तो इसलिए उस बैसाखी के सहारे वो चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इस बार जो अंगणित है, आप देखिएगा साल भर के अंदर नीतीश कुमार को ऐसे किनारे करेगा कि नीतीश जी को भी असली दिन याद आएगा। और मुझे लगता है कि वो बहुत समय लगाएगा नहीं, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने पार्टी के कई बड़े नेताओं को किनारे कर चुके हैं, तो अब आने वाला समय में वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को केवल एक मोहरा के रूप में यूज किए हैं। इस रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री को बहुत दिन वो रबर स्टाम्प रखेंगे नहीं, आने वाले समय में खुद वो इस ताजपोशी के लिए तैयार भी हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इनको फिर से कसिंदे कसे जा रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री मटेरियल, प्रधानमंत्री मटेरियल, इसी चक्कर में इनको दिल्ली भेजकर सही रूप से इनको जमीन दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि 24 के पहले कई करवटें अभी और लेनी है नीतीश कुमार को, और उन करवटों में नीतीश कुमार की समाप्ति की राजनीति इतिहास लिखा जाएगा। और देश भर में जब बिहार का राजनीति इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के नाम के आगे पलटू कुमार लिखा जाएगा, यानी जिस व्यक्ति की कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं होती है उसी का नाम है नीतीश कुमार। धन्यवाद नितिन नवीन जी, बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। बिहार की राजनीतिक भविष्य का, नीतीश कुमार की भविष्य का, 24 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों का उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रखने का काम किया है। नितिन नवीन जी से हमने सारी बातों को जानने का काम किया है। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे कभी जो ऐसे इनके साथ और कई विषयों पर हम बात जानते रहेंगे और आपके बीच में लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इट लार्ज ऑन एवरी फेस।